Smart Sound. बच्चों को भी जवाब दें। अगर आपने स्टोरी सही प्रिपेयर नहीं की, आपके पास सही मटेरियल नहीं है, आप तैयारी करके नहीं आए, आप पुरानी डिश ही बार बार बच्चों को गर्म करके दे रहे हैं, मजा खत्म हो गया, तो आप अकाउंटेबल हैं, आप जवाब दें खुदा के सामने भी। जिस किसी को वो जो भी खिदमत देगा वो उसका साहब मांगेगा, वो मांगेगा। आज कोई गोरा साहब आ जाए ना तो बसे भर भर लेकर जाते हैं, तो क्या सारे इबादत के लिए जाते हैं? नहीं। सारे मिलकर बोलो दयानंदारी खुदा को जलाल। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी के ऊपर का नाम तो जलाल नहीं है, दयानंदारी खुदा को जलाल फराहम करती है, रहनुमाओं को गिरने से बचाती है और बाइस से हौसला तरक्की का बाइस। We need to crack this last line. डॉक्टर साहब ग्रामेटिकली दैट्स नॉट फाइन। ओके आइए आगे बढ़े। इसका तलीमी मकसद यह है कि आप अपनी रूहानी जिंदगी की बुलाहट, उसके साथ वाबस्तगी और अपनी दौड़ को किस तरह अच्छे तौर पर खत्म करना है ये आपने सीखा। अब देखिए जो मजमून है वो है अपना एंड अच्छा करें। सारे बोले अच्छा करें। और आपको पता आपका एंड कब है? पता है आपका एंड कब? आप तो जवान है, आपका एंड अभी कैसे हो सकता है? एक बच्चे ने पूछा कि माँ कितनी उम्र के हो तो बंदा मरता है? उसने कहा बेटा मेरे साथ चल, कई माँ के पेट से मरे पैदा, कई बिल्कुल 12 साल 14 साल 18 साल 20 साल 25 साल। तो एक उस शिगिर्द ने पूछा उस्ताद से, उस्ताद जी मुझे तौबा कब करनी चाहिए? तो उस्ताद ने कहा मरने से एक घंटे पहले, 1 hour before you die। तो उसने कहा जी मुझे क्या पता मैंने कब मरना है? तो उसने कहा फिर अभी तौबा कर। तो आपको नहीं पता आपका एंड, मेरा एंड आज रात है, कल है, परसों, ठीक है जी। तो जो ले जाने वाला फरिश्ता है ना वो नहीं देखता आप कितनी खूबसूरत, आपकी तालीम बहुत है, आपके पास डिग्रियां बहुत है, आप गिल साहब की बेटी हैं, खोखर साहब की बेटी हैं, पटी साहब की बेटी, आपके अबू के पास पिस्तौल भी है। Never care. आसमान पर आपकी मेरी सबकी उम्र लिखी मुकर्रर है और उस मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक आपको जाना। आप छोटा गोश्त खाएं या बड़ा गोश्त खाएं? बात तो कहते हैं मैं नहीं मरना, मैं तो छोटा गोश्त खाना। तो जब वो मरता है ना तो कीड़े आते हैं उसे खाने के लिए, कीड़े कहते हैं यार गोश्त बड़ा मजेदार लगता है छोटा ही। तो आप यहां पर हम देखेंगे कि पालूस के मुताबिक और फौरन इबादत खानों में मनाती करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। तो आइए जरा इस लाइन को पढ़िएगा मिलकर। उस्ताद जी इजाजत नहीं देते या उस्ताद जी ने अच्छा नहीं लगता कि कोई और भी मनाती करे मेरे मेरे वर्गा। अजारादारी है, किंगशिप है, मैं बादशाह सलामत, मेरे अलावा और कलीसिया में कोई नहीं दुआ कर सकता। बात गलत है, सुनिएगा सुनिएगा। आज जिस चीज की अशद जरूरत है वो है शगिर्द बनाना। मसीह खुदा ने गिरजे बनाने के लिए नहीं कहा, जमाते बनाने के लिए नहीं कहा, शगिर्द बनाने।
बस तुम जाकर आप अगर अगर आप अमरूद को खोलें तो उसमें से क्या निकलेगा? आप बीज के महकुमा शिकीर, क्योंकि उसी से आगे और अमरूद तैयार होंगे। बाजी और सुनो, ये बात जाके बातें करके फिर आ जाए। बहुत शुक्रिया, हमने बड़ा कीमती टाइम निकाला। वी आर सो बिजी नेशनली और इंटरनेशनली, सो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप टाइम दें और सीखें। आप सेम खोलेंगे, आपको क्या नजर आएंगे? और आज भी आप मटर खोलें तो बीच में से क्या निकलेंगे? और सबसे दर्दनाक जो फल है जो अपने आप को दे देता है बड़े दुख सहकर, वो गन्ना है। शुक्र क्या है? और आपको पता है उसका बीज किधर है? अब अमरूद तो खोला तो उसमें से बीज निकला, वो शिकिर्द हो गया। सेब भी खोला, अब गन्ने का बीज किधर है? वो अपने आप को कटवाता है, उसको नीचे से काटा जाता है और इतना सा उसको काट के रखते, कहते हैं ये बीज है, उसी को दोबारा बोते हैं तो गन्ना भी उगता है। अब जो उसके अलावा जो हिस्सा, भाजी हो बहनों सुनो प्लीज, आप 5,000 में बैठे होंगे, मैं एकदम पकड़ूंगा कि कुछ गड़बड़ है। 40 साल हो गया मुझे इसी काम, सो व्हेन यू कम जस्ट लिसन। अब हम बाबे हो रहे हैं, मरने वाले हैं, कुछ ले ले, ठीक है? तो गन्ना इसके बाद क्या होता है? उसको छीला जाता है। तो जिन्हें छिलिया जाए तो नाम तो पूछो कैसा लगता है, खाल खेच दी जाए ऐसे करके, मुक्कों से, लातों से, और पंजाबी जुबान बड़ी जीव है, तेन में छिल देना पड़ा। इसका मतलब है लव लुहान, तेरा सिर पार जाए, तेरी हड्डी टूट जाए, ते जिधर सर्कल बने हो भावे उत्थे भी कुछ सानू वज जाए, प्रॉब्लम हो जाए। वो अपने आप को छीलने देता है, फिर उसके पीसेस किए जाते हैं। वो सिर्फ यहां तक नहीं कि निशिया तुझे छोड़ेगी, तेरे टोटे भी करेगी। और टोटे करने से क्या होता है? बोलो गनेरिया, बोलो भाई गनेरिया ना तेरिया ना मेरिया, आगे चल पीसेस। और जो कहे पीसेस नहीं, उसको पूरे को मशीन में डाल दिया जाता है तो क्या निकलता है? जूस, ठीक है, रो भी ठीक है, जूस भी ठीक है, उससे क्या बनेगा? चीनी, गुड़, शक्कर, केक, टॉफियां, चॉकलेट, हलवा, मिठाई, सब मीठे की चीजें, सब कुछ उसे बनेगी। तो ये कैसे बन गई? किसी ना किसी ने अपने आप को मशीन में दिया, अपनी कुर्बानी दी। और वो उस्ताद था, शागिर्दों के लिए सब कुछ आखिरी कतरा भी सलीब पर दे दिया। वो कलवरी की मशीन में उसने अपना सिर दिया, और इसके बाद भी चैन नहीं है उसको, वो और देता है। जो उसका भूसा सा, क्या कहते हैं जो क्या बचता है मशीन के बाद, जो निकलने के बाद? नहीं नहीं नहीं, जब गन्ना मशीन में से निकल गया तो आगे जाके क्या होता है? भोग, कचरा, कचरा की कचरा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो कुछ वो बच गया, सुनिएगा, उससे कागज बनता है। यस, आपके गत्ते, आपके पेपर, उससे खाद बनती है। वो मरकर भी दोबारा खेत में जाता है ताकि जो शिगिर्द वो उसने दिया स्टार्ट में उसको सपोर्ट करे। बात गहरी है, अगर आपकी समझ में आ जाए।
अपने आप को बेलने में देकर, मशीन में देकर, he go back to the field, वो दोबारा जाता है। और यीशु की मिसाल है, वो मरा जरूर, वो कलवरी की मशीन में से निकला, पर तीसरे दिन मुर्दों में से ऐसा ही। आज बदकिस्मती से वो नहीं है जो यीशु ने कहा, बदकिस्मती वो नहीं है जो माल की किताब ने कहा, खौफ की रूह ने खिदमत की हदों को रोक रखा है, कोई मेरे जैसा ना हो जाए। अब आप यहां बैठे हैं सर जी, यहां से लेकर डॉक्टर साहब स्टेज तक का कितना वास्ता होगा, 10 फुट 12 फुट? तो कई जगह पर, कई गिरजों में ये 12 फुट के लिए 12 साल चाहिए, फिर वो यहां पर आते हैं। तो कई तो बगैर वारस दिए ही मर जाते हैं। और जमात कलीसिया ला वारस, लुक एट दैट। और मैं पास्टर को कहता था, अगर आपने बढ़ोतरी देखनी है, तरक्की देखनी है, तो मुर्गी खाने जाओ। कहाँ जाओ? और वहां पर 3 महीने में इतना सा चूजा एडा वड्डा हो जाता है, साढ़े को 30 साल च नहीं होता, एडे एडे बौने लगे, फिर रूहानी बौने जमात में चलते फिर। और कईयों की बड़े सालों बाद उनकी जमात से दुआएं बानी सुने, तो दुआएं बानी कैसे शुरू करते हैं, हाय हमारे बाप की जो उस्मान। कोई ग्रोथ नहीं, कोई तरक्की नहीं। और ये हाल हमारे मर्सिडीज स्कूल का भी, इस तौर से फीड दें, ये मुर्गी खाने वाले बड़ी जबरदस्त फीड देते हैं। और अगर वो फोन करते हैं आके माल ले जाएं, बर्ड ले जाएं, तो अगर वो ना आए वक्त पर, तो वो चूजे जो मुर्गे बन गए वो फट जाते हैं, खड़े खड़े फट जाते हैं, उनको जल्दी से जबा किए जाओ। बाद यही होता है, जब हम लोगों को आगे नहीं आने देते वो फट जाते हैं, वो आपका चर्च छोड़ जाते हैं, वो आपका संडे स्कूल छोड़ जाते हैं, या फिर कोई तरक्की नहीं है। रूखी सूखी बंजर वीरान खिदमत, मुबारक आप में से वो जिनका हाउस हर महीने गीला होता है, हर माह बदकिस्मे होते हैं, लोग बाथरूम पाते हैं, शिफा का काम होता है, मोजज़ात का काम होता है, और ये वहां होता है जहां यीशु आप हो। हालेलुया, आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए एंड, देखिए पौलुस का क्या कहता है, वो मैं अच्छी कुश्ती, सारे बोलेंगे, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। ये एंड होना चाहिए हमारा जब हम इस दुनिया से जाने वाले हो, फलदार खिदमत छोड़कर जाए, तो हमारा एंड जबरदस्त होगा। आगे जरा देखिएगा, वो यहाँ पर स्लाइड है, खुदा का मंसूबा है कि हम पालूस की तरह अच्छी दौड़ को अच्छे तरीके से कर रहे। और याद रखिए, मैंने स्टार्ट में कहा, आपको और मुझे नहीं पता हमारी दौड़ कब खत्म होनी है, हमारा एंड कब होना है। आइए जरा एक शख्स से मैं आपको मिलवाऊं जिसका नाम सुलेमान, और पहला सरदीम उसका 3rd बाब और उसकी 3rd आयत में लिखा है, और सुलेमान खुदा से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के आईन पर चलता रहा। सारे मिलके बोलेंगे, सुलेमान की मानी अच्छा, हालात बहुत अच्छा। लेकिन आइए जरा आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा, वेरी वेल स्टार्ट। लेकिन हुआ क्या, पहला सरदीम 4:6-11 आपकी बुक में सारे मौजूद है, ना लिखिए ना लिखिए, सिर्फ तवज्जो दीजिए, आपकी बुक में ये सब कुछ मौजूद है। क्योंकि जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर मबूदों की तरफ मायल कर लिया, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा जैसा उसके बाप दाऊद का करता। मिलकर पढ़िए,
सुलेमान की मायल बुरा इख्तियार एंड बुरा था। इस बात को नहीं है, मैंने तौबा की हुई है, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, ये है वो है, अब मैं जो मर्जी करूं, ना मेरा हुलिया ठीक हो, ना लोगों को ये पता चले कि ये स्टार है या ये खादम है या खात्मा है, मैं जो मर्जी फैशन करूं। सुनिएगा पौलुस अपनी तौबा के मुतल्लिक कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझमें जिंदा है। आपने स्लीब उठाने वाली खिदमत पकड़ी है, ये पिकनिक वाली खिदमत नहीं है कि कभी कभी मैं भज के दुनिया च बढ़ जाऊं तो कभी मैं भज के खिदमत च बढ़ जाऊं। नो नो नो, आपको सही फैसला करना है, दुनिया की ख्वाहिशों को और दुनिया की बातों को नहीं लाना। बस चर्चिस में ग्रीन चंडी है, जो मर्जी करो पर गिरजे आते रहो, ते सारी उम्र रहो गुनेगार, गुनेगार बढ़ो ते गुनेगार निकल दो हर त्वार। बस मेरे रजिस्टर में आप ठीक हो, तुहाडे जनाजे ते तुहाडे निकाह आप ठीक है। ये खिदमत बड़ी खतरनाक। इब्रानियों 13वें बाब में लिखा है कि अपने पेशवाओं के फरमा बरदार, उनकी खिदमत के अंजाम पर गौर करके उन जैसे बन जाओ। अपने पेशवाओं तो बड़े लोग, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बच्चों, बड़ी आपकी सहेलियां, आपके कजन डजन सब जितने भी हैं, ये सारे आपको वॉच करते हैं। आप उनको पता है ये संडे स्कूल टीचर है, और अगर संडे स्कूल टीचर का हुलिया, रवैया, गुफ्तगू, बोलचाल, करैक्टर लोगों जैसा है, लोग अपने बच्चों को रोक लेंगे, उधर ना भेजो, उन्हें तो अपने भी फैशन की तरह बनाते, उन्हें तो अपना हुलिया ठीक नहीं, तो मेरी तीन उन्होंने की सरा आपके सबब से ठोकर गए। आपको अपनी जवानी को ग्रिप में जोर से रखना है, और पौलुस कहता है कोई तेरी जवानी की हकारत, और हकारत यही है जब आप जो अपने बच्चे आपके सिंडे स्कूल से निकाल लें। उसके भाई कहे नहीं नहीं हम नहीं भेज रहा, पाली साहब सॉरी हम अपने बच्चों को घर में पढ़ा लें, आप अपना एंड अच्छा नहीं कर रहे। और कैसे पता चले, एक बंदा चर्च में गैर जबान भी बोल लेता है, बाहर जाके सिगरेट भी पी लेता है, कैसे पता चलेगा ये बंदा खुदा परस्त है? दरख्त अपने फल से, उसका फल। तो यहां पर जो सुलेमान का फल है वो ठीक नहीं रहा। बहुत सारी बीवियों से शादी की, उन बीवियों ने अपने मंदिर बनाए, अपने झूठे नबी रखे और कुर्बानियां और बखूर और सारा कुछ, कौम को गुमराह किया, और काम खराब हो गया। और जरा देखिए क्या स्टेटमेंट है उसका, उसका फिनिश जो था वो पूरली था, और उसके मतलब यही है। सुनिएगा ये देखिए क्या, ये एक कड़वा सच, एक बहुत ही कड़वा सच जो आज हालात है, ये एनालिसिस है बहुत बहुत बड़े खादमों का, 70% लीडर दोजख में जाएंगे। आपने जाना है? नाम लिखवाए जिन्होंने जन्म जाना नहीं जाना, फिर अपना एंड अच्छा रखे। और एंड कब है कोई पता नहीं, शायद आज रात, कल रात, अगले माह, ये वो सारा कुछ। कल मैं एक जनाजे पर था और 1.5 घंटे में बंदा बीमार हुआ और मर गया। कोरोना को सीरियस ले, उसका सांस बंद हो, और अभी वो घर की गाड़ी पर उसे लेकर गए हैं एम्बुलेंस पर डेड बॉडी वापस। ही वॉज नॉट अ ओल्ड गाय,
चालीस पैंतालीस साल के अंदर। क्या हुआ? उन्होंने हिम्मत हार कर दौड़ को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ? उनका खुदा पेट है और वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। और जनाब मेरे नाल बड़ा औखे बोले तो मैं भी फिर 15,000 फीस नहीं निकाल दंद पीसन लग पे। डोंट डू दिस, गलत ना करें। एक टीचर के पास हेडमास्टर आया और कहने लगा कि हर एक की फोटो खींचनी है तो 20 रुपए इन सब से लें। टीचर ने बच्चों को अनाउंस किया, बच्चों हेडमास्टर साहब आए थे और वो कह रहे थे कि 30 रुपए आप सब ने जमा करा दें। तो हेडमास्टर ने कितने कहा? 30। और वो कितने कह रहा है? 30 रुपए। उस बच्चे ने घर जाकर अम्मी से कहा कि 50 रुपए फोटो के मांगे हैं सर ने। अम्मी कहने लगी ठीक है। अम्मी ने अब्बे को बताया कि इनके स्कूल में ना फोटो की मसला है तो 70 रुपये आपने देने। अम्मी ने कितने कमाए? 70। अच्छा जी, तो अब बात का कहां से शुरू हुई? अब अब्बा जी कह लेंगे अच्छा मैं आज काम पे जाना है तो मैं घर आके आपको कहूंगा। तो अब्बे ने बॉस को कहा सर जी वो बच्चे ने फोटो लगवानी है 100 रुपया चाहिए। अब्बे ने कितने कमाए? के आवे दा आवा ही बिगड़िया। सर वह नहीं है कि मां का लाडला बिगड़ गया, पूरे आवे दा आवा ही पूरा ही। आज करप्शन का यही हाल हर जगह। और हमारे मोबाइल ने हमारी औलाद को चोर बना दिया। अबे को पैसे मंगो नहीं गए, अम्मी को पैसे मंगो नहीं गए, जो सो गए ने उन्होंने दिए जेबा खुलिया ने जिन्ने मर्जी कर। और अब्बा कहते हैं 100 रुपया भी मेरे को आया सी। ओ बीवी कहती जरा ध्यान ना देखो। थैंक यू। आप ध्यान से देखें, चोर बेटी चोर है या बीवी चोर है या बेटा चोर है? तो इस बात से जरा बड़े मुताद रहे। क्या हुआ? उन्होंने तरबियत को तंबीह को छोड़ दिया। जी मुझे कोई ना समझाए, मुझे बड़ी बाइबल आती है। गौर से सुनिएगा, शैतान से ज्यादा बाइबल किसी को नहीं आती। बियाबान में वो यीशु के साथ हवाले दे दे कर लड़ा। तेरी बाबत लिखा है कि वो तेरे पांव को ठेस लगने ना दे। नबी रसूल पैगंबर शगिर सारे उसकी आंखों के सामने, यीशु मसीह बैतलहम में उसकी आंखों के सामने पैदा हुआ। हाँ उसके पास इलम है, अमल नहीं है। अमल से जो आपके पास, यही फर्क है। तो हमेशा सीखते रहिए, कोई तरबियत करे उसको कबूल कीजिए, गुस्सा ना कीजिए। नहीं मैंने नहीं गिरजा जाना। वादी साहब बड़ा सख्त कलाम सुनाते हैं। जो गिरजा मेरे पास है मियां मीर कॉलोनी में, मैं लोगों को कहता हूं किसी और गिरजे जाए, इस गिरजे ना आया करें। अगर आना है तो अपना लिबास ठीक रखें, अपनी अक्रीमा क्रूमा किसी मेहंदी वास्ते रखो, शादी वास्ते, गिरजे वास्ते। ये फैशन हाउस नहीं है, ये क्लब नहीं है, ये पिकनिक वाली जगह नहीं है, ये खुदा का घर है। खुद भी मरोगे तो मैंने भी मरवाओगे। क्लब में लिखे ना ज्यादा उस्ताद ना बनो, उस्ताद क्या पाएंगे? डिग्री नहीं, सजा। तो हम जवाब दे होंगे। अगर मेरी आंखों के सामने गुनाह जमात में नाचता है तो मैं खामोश हूं, तो फिर खुदा मेरा गिरेबान पकड़ेगा। अगर आप और मैं बच्चों को मुतासर नहीं कर पा रहे, बच्चे तौबा नहीं कर रहे, निजात नहीं पा रहे, उनकी जिंदगियों से खुदा का डर नहीं है, तो मेरी बहन मेरी बेटी आपकी रूह खतरे में। ये बड़ी सीरियस
ये मिनिस्ट्री है। आप वो लोग हैं इस तरह से कि मछली कोई पकड़े, चाने कोई लाए और फ्राई कौन करे, कोई और करे। आप मछली तैयार करके चर्च को देते हैं। पादी साहब क्या आते हैं? सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन खिदमत आपकी है। आपने एक बीज लिया, उसे नर्सरी में रखा, प्लास्टिक में, फिर गमले में, और फिर जब वो बड़ा हुआ तो पादी साहब को कहा जी अब इसे कलीसिया की जमीन में लगाएं ताकि ये बड़ा दरख्त बने। तो अगर नर्सरी नहीं है तो दरख्त है? नॉट एट ऑल। आइए जरा जल्दी से, टाइम मेरे पास थोड़ा है। ये कैसे हुआ? सुलेमान बादशाह से पूछे, वो क्या कहता है? वाइस पहले बात दूसरी है, बातली बातल। वाइस कहता है बातली बातल, सब कुछ बातल, इज्जत दौलत मुकाम शोहरत ताकत हर चीज उसके पास, और एंड कहता है कुछ भी नहीं है, सब खाक है। और इसके मतलब जो स्टेटमेंट है वो जरा देखिएगा, जो कुछ उसने लिखा वो सब कुछ भूल कर क्या बन गया? जबूर में उसकी जबूर है, अमसाल की किताब उसकी है, गजल की किताब उसकी है। कितनी किताबों का मसल्ला है, लेकिन उसका जिक्र सलातीन में भी है, तवारीख में भी है। यीशु मसीह ने भी इसका नाम लिया, तो उसकी शान शौकत बड़ी थी, पर इस घात जैसी है। तो वो बेवकूफ बन गया, उसका एंड अच्छा नहीं था। आपका स्टार्ट बहुत अच्छा है, एंड की बात आमीन, मेहंदी वाले दिन भी एंड की बात करेंगे, हो सकता है ना। और याद रखिए, आपके सन्डे स्कूल के बच्चे एक दूसरे को कहेंगे वे साडी म्यूजिक नचन दी सी, गाने देते डीजे लगा, उन्हें नहीं मैं नहीं मानता, हाँ मैं तेन कनात के बिचों दी बहा वैसा दी तेनों कनात। एक कहेगा अच्छी गल नहीं है, दूसरा कहेगा किड्डी सोहनी लगती। तो हुआ क्या, आपकी खिदमत का बेड़ा गया, बच्चों आपसे ढूंढ कर गए। ये जो फील्ड है ना, मैं आपको तो नहीं बताना चाहता लेकिन चले बता देते हैं, इस फील्ड में कामयाब वो है जो हो जवान पर वो अपने आप को बूढ़ा बना ले। इस खिदमत में वो कामयाब, मेरे बाल बड़े कर्लिंग होते थे तो मैं ना छोटे छोटे करवा लेता, वो कहता सर बड़े अच्छे लगते, मैं कहना लोग मेरे बाल ना देखे मेरा कलाम सुने। और रोमियों 12:12 में वो कहता है अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जब मेरी कजन ने हुई शर्ट मंगी हुई पानी, जे कजन क्रीम वाला पीछा नहीं छटन दी तो छटना मम्मी ने, छोड़ दो इनको ठोकर है। और मैं आपको पैदाइश पहले बाब में ले चलता हूँ। खुदा ने जो कुछ बनाया शाम को क्या कहा? अच्छा है। बोलो अभी क्या कहा? अच्छा है। भाई आवार बातें अदब को भी कहा अच्छा है। तो अगर खुदा ने कहा अच्छा है तो फिर की जरूरत है एडा वक्त करने। पहले वक्त में माए सराने बाइबल रखती थी, आज दो चीजें होती हैं सराने को बताएगा। नंबर एक, सारे बोलो, नंबर एक मोबाइल फोन, और नंबर दो क्रीमा। आज दो चीजें होती हैं सराने, और ना मीनू तराज है ना बेनू ना एडे जवान 6 फुटे भरा नू, क्योंकि वह भी लाता है जो शेयर कर रहे भाई कुड़ी बची है तो मैंने भी दे। ओ तुझे क्यों शक है मेरी धी मेरे भाई, तुझे जो कुछ खुदा ने बनाया कहा अच्छा है। हूं मैं क्रीम ला के 2 घंटे दे कढ लवा ते तीसरे घंटे बहु डर लगता है,
ओके पहला स्टेप सारे बोले जी एक पहला गलत कदम आपको हमेशा की आग में झोंक सकता है। पहली गलती पर रुक जाएं और आपको तो नहीं लेकिन मैं अक्सर जमातों में कहता होता हूं कि जो स्टेप में धिक्का देने वाले हैं ना उनसे बच के रहें। आपकी सहेलियां आपके कजन शैतान बड़ी दफा इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप गलत कदम गलत राह पर चल पड़ते हैं। मैं भी हम सब तो पहला कदम अगर गलत हो रहा है गो बैक। अब किसी को रिवर्स करें ना फिल्म को तो वापस सारा कुछ आ जाए। और याद रखिए मैं अक्सर कहता हूं लोगों को कि जो सियाणियों जादूगरों पर बीबियां लेके जाती है ना जो जाते हैं उन्हें तो मार पड़ेगी जो लेकर जाते हैं उन्हें ज्यादा पड़ेगी। जो खुदा के बच्चों को गुमराह करके खुदा की गोद से छीन कर शैतान के पास ले जाते हैं खुदा ने उन्हें छोड़ेगा और वो सारी जिंदगी खज्जल खराब परेशान बीमार और दुख और मुसीबतों से भरे रहते हैं। जिन्होंने ईमान के लिहाज से खुदा के बच्चों को छीन कर अबलीस के पास ले गए इसमें मोहतात रहिए। नंबर टू चार बलाओं से जरा बच के रहिए। सबसे पहले दौलत ये इससे बड़े काम बनती है लेकिन दौलत को खुदा बना लेना इसके लालची हो जाना इसके लिए कोई काम भी करने से दरेग न करना। अलग लिखे दौलत और इज्जत खुदा के जोर से मिलती लेकिन गलत नहीं लालच नहीं। सुनिएगा खुदा आपकी जरूरतें पूरी करने का पाबंद है हमारे लालच का नहीं। वेट करें बाज लोग समझते हैं आज मैं बीज बोऊं तो सवेरे टांडे या डेढ़े बढ़े हो जाऊं ऐसे होता है बड़ा पुरुष होता है छोड़ी च नहीं होता छोड़ी में नहीं होता इधर भी नहीं होता। गुड चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी अपोजिट सेक्स जवानी से कुंवारपन तक जब तक आपकी शादी नहीं होती डोंट मिक्स विद एनीबॉडी बचे से और इज्जत वाले वक्त का इंतजार करें। बहुत सारी बेवकूफ लड़कियां लड़के भाग भूख के शादी कर लेते हैं तो सारी उम्र छितर खाते रहते हैं उनके बच्चों को भी लोग कहते हैं तू भी गला करने है तेरी मां भज गया इस मेरी मां भज गई हां उठ जा चल दौड़ जा तो उठ बंदिया जा बढ़िया चबड़ चबड़ गला करेंगे बीबियों को कहते हैं। तो अगर वो मेरी बहन वो मेरी बेटी ये गलत कदम ना उठाती कोई बुरी सहेली उसे ना मिलती कोई खराब कजन उसे ना मिलते वो इज्जत की हालत पर। इसी तरह शादीशुदों के लिए है कि किसी तीसरे को अपनी जिंदगी में ना लेने। आगे नंबर थ्री इख्तियार पावर क्या आपके पास कोई इख्तियार है बोलो भाई मैं इख्तियार की बात नहीं कर रहा इख्तियार की बात कोई इख्तियार है यस आपके पास है। आप में से कितनी है जो बड़ी बहने हैं अपने घर में तो तू ही निकिया में कुट दे हो गए ला दो मैं नौवें नंबर पर था चार बहने मुझसे पड़ी चार भाई ते मैं लास्ट मैन ते खुदा दे फजल ने मैं सब तो कुट खाना नाल ये दुरा निकाल देना जे कहना मैं थकिया हुआ तो तू कितों थकिया तू पीको फैक्ट्री च लगा सारा दिहाड़ी वेला तो मैं मेरी को जबूर गल दसा दुखा दे वेले जिन्हें नंग थोड़ा जा इतों तुझी कह लो भी ना मैं तो उसका नाम ही नहीं लेते फीमी
अगर सुनिएगा सुनिएगा, अगर कोई बेचारे को तीन चार कोट ला के उन्हें मेकअप किया है, तीन घंटे लाए ने उन्हें, फिर मेनू पसंद नहीं, सारे बोलो मेनू उन्हें दूरों कहना लोग दी की बंद रही थी। सारे बोलेंगे क्या है गुरूर तकबर, कोई मैट्रिक कर ली पूरे पिंड च एक ने बीए किया है तो वो किसी ने कुछ समझती नहीं, वो आलू फड़ के कहती है व्हाट इज दिस यू आर। तो हमें इससे क्या करना है, बोले बचना है, हमें क्या करना है, we have to be careful about that. अगर आपकी दुआ अच्छी है आमीन, आप अच्छा सुनाते हैं आमीन, अच्छी खिदमत करते हैं आमीन, और बस जगह ये बदरू इतनी जोर आवर है हमें अपने पास्टर के अलावा कोई और पास्टर पसंद ही नहीं जी, जैसा हमारा पास्टर है ना, जैसा वो कलाम सुनाते हैं कोई भी नहीं सुना सकता, तो पास्टर लाहौर भेजो पता लग जाएगा, ये तो कबर है। हमें किसी की दुआ नहीं पसंद आती, लोग इन्हें तो अनाउंटिंग भी नहीं किया दुआ, इन्हें तो मसे का भी नहीं, सानू तो मसा मसा पता चलिया कि मसा की होता। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड, चार गुनाहों का यहां पर जिक्र है जिसको झाड़ियों के साथ तशबीह दी गई है, आप अपनी बुक में से इसको निकालें, लेकिन मैं जिस बात पर आपको लाना चाहता हूँ वो ये है, अपने एंड के मुतालिक, अपनी तरक्की के मुतालिक, आपके पास क्या प्रोजेक्ट है, क्या मनसूबा कि मैंने आगे बढ़ना। बड़ी सादा सी मिसाल है, वो कहते हैं रोटी भी ना तलो तो सड़ जाती, आपको रोटी करनी पड़ती है, यही आपकी तरक्की का हाल है। कुछ जल्दी से बताएगा छप्पड़ में और दरिया में क्या फर्क है, शाबाश नंबर वन, कौन बताएगा, दरिया में पानी थोड़ा साफ होता है उसमें गंदा पानी होता है, ये बात दोबारा नहीं करनी जी सर, दरिया चलता है और छप्पड़ पानी खड़ा, छप्पड़ उठते ही रहता है अंडर मैट्रिक छप्पड़ पक्के नहीं बदना, क्लियर नहीं करना। और सुनिए मैं जल्दी से टाइम को सेव करता हूँ, छप्पड़ कहीं नहीं जाता उधर ही रहता है, और छप्पड़ पूरे जाने ने पर दरिया पूरे नहीं, और दरिया लोगों की जरूरत को पूरा करता है, छप्पड़ खुद कर सुनता है, सारे मलेदियां नालियां फड़ता है पर देंदा कुछ नहीं, हाँ देंदा को मज भर दे तो जोकां जोकां मच्छर वो वाला, और दरिया मैंने अपनी आंखों से देखा है खुद सिंध में, यहाँ पर बंदा यहाँ पर घोड़ा पानी पी रहा है, उन्हें ना थोड़ा जाके बंदा पी ना घोड़े ने त्रास ना बंदे ने त्रास। मैंने खुद सिंध में रोटी के बाद छप्पड़ का पानी पिया, ना मेरा पेट खराब ना मुझे वॉमिट हुई, थैंक यू सर बहुत अच्छी जरूर। ओके अब जल्दी से हम पॉइंट्स की तरफ आएंगे, किस तरह से हमें डील करना है कि हमारा एंड अच्छा हो, कमजोर किरदार और गुनाह से भरी जिंदगी को जीना तरक कर दे, कंट्रोल कर ले अपने फैशनों पर भी, अपने मेकअपों पर भी और अपनी जुबान पर भी, नहीं तो इस संडे स्कूल की खिदमत के साथ ही आप दोजख में तशरीफ ले जाएंगे, खुदा ने ये नहीं पूछना तेरी खिदमत कैसी थी, तेरी जिंदगी कैसी थी, आपकी डिग्रियां नहीं देखेगा। कितने बच्चे मेरे पास आते थे नहीं देखे, क्या तू मेरे खौफ में रहा, तू मेरे खौफ में रही। नंबर टू आगे बढ़ते हैं जी, और खुदा का इरादा क्या है, अपने गुनाह का इकरार करें और अपने किरदार का मुआयना करते रहे, जारी रखें इसको। आगे देखिएगा जी, ये आपकी बुक में सारा मटेरियल है, अपनी जिंदगी में किसी एक को रखें जहां जिसके साथ आप अपनी शिकस्त और अपनी फतुहात दोनों शेयर कर सकें, कोई एक चुने
उसके साथ दुआ भी करें इकट्ठे, और वो आपको इनकरेज करे खुदा में चलने के लिए, आप उसे इनकरेज करें। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। खुदा का मंसूबा है कि अपने अहद और वादे की तजदीद करें। जो खुदा ने आपके साथ वादे, आपने खुदा के साथ वादे किए, उसको दोहराया करें। खुदा, मैंने फलां वक्त में ये बातें तेरे साथ की, एक कोई ना कोई एक शिगिर्द जरूर ले जिसमें अपनी तमाम बरकतें, अपने तजर्बे उसकी जिंदगी में डालें। जैसे पुलूस ने तमोथियस को, मूसा ने यशवा को, एलिया ने अलीशा को अपना सब कुछ दिया। बाद अफराद ने खुदा के साथ अपनी सरगर्म रफाकत को छोड़ दिया, और उसका सबूत सुलेमान का दिखाई देता है। वो पहले जैसे ना रहे, और खुदा का ये मंसूबा है कि आप खुदा के साथ गहरी रफाकत में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। क्या खुदा के साथ आपका दुआया और गहरी रफाकत पर मबनी मुस्तकबिल का वादा है? और मैं फिर कहूंगा एंड में, क्या मुझे अपने एंड का पता है? पता है जी। तो कलाम आज का ये है, अपना एंड अच्छा करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन चार आफतों से बचें और अपनी दौड़ को अच्छी तरह से पूरा करें। फिनिश लाइन अपनी जबरदस्त।